गाइस वेलकम बैक। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एक और प्रॉब्लम। इसमें क्या है, आशा नेम की एक गर्ल है, उसके पास रुपीज़ 1 और 2 के कुछ कॉइन्स हैं। कितने कॉइन्स हैं हमें नहीं पता। तो सॉल्यूशन में जो मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा, लेट से ये 1 रुपी का कॉइन है और ये लेट से ये 2 रुपी का कॉइन है। कितने कॉइन्स हैं ये हमें फाइंड करना है, ये हमें भी नहीं पता। तो मैं लेट कर लेता हूँ द नंबर ऑफ कॉइन। तो एक्स वाले को मैक्स एज्यूम कर लेता हूँ कि टोटल 1 रुपीज़ वाले उसके पास एक्स कॉइन है और 2 रुपीज़ वाले इसके पास टोटल वाई कॉइन है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये समझ में आती है। दूसरा उसने बोला है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हैं वो 50 हैं। मतलब इसके पर्स में अगर मैं देखूँ टोटल अगर 50 कॉइन्स हैं और आपको पता है अगर इसके पर्स में सिर्फ 1 और 2 रुपीज़ का ही कॉइन है, तो यहाँ से हमें पता चलता है बेटा जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं इन दोनों को जोड़ के जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं वो यहाँ पर बोला गया है वो है 50। पहली चीज़ तो इक्वेशन फर्स्ट आपका ये बना। सेकेंड इक्वेशन में वो क्या बोल रहा है, जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी जो उसके पास है वो है 75। अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पर्स में सिर्फ 1 और 2 रुपी के ही कॉइन है और टोटल अमाउंट अगर आपके पास 75 है, तो क्या आपको नहीं लगता 1 रुपीज़ के जितने भी कॉइन होंगे और 2 रुपीज़ के जितने भी कॉइन होंगे, अगर मैं उन दोनों का सम निकालूँ तो वो टोटल 75 रुपीज़ आएगा। अगर आप यहाँ हाइपोथेटिकली सोच सकें, लेट से मैंने बोला यार 20 कॉइन्स हैं मेरे पास 1 रुपी के और 25 कॉइन्स हैं मेरे पास 2 रुपीज़ के, तो टोटल अमाउंट ऑफ मनी कितना हो आपके पास। अगर आपके पास 20 कॉइन्स 1 के हैं तो आप बोलोगे यार 20 रुपये तो मेरे पास हुए कॉइन 1 से, और 25 × 2 आप बोलोगे 50 रुपीज़ मेरे पास हैं सिर्फ कॉइन 2 से, और टोटल सर मेरे पर्स में है 70, है ना। आप ऐसा करोगे ना बेटा कि 20 × 1 और 25 × 2, तो सेम वे यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ है। यहाँ तक तो लॉजिक समझ में आया होगा कि चल रहा है। अब यहाँ से अब ये जो आपकी दो इक्वेशंस आई हैं x + y = 50 और x + 2y = 75, इसको बस हमें सॉल्व करना है। तो इसको मैं एलिमिनेशन मेथड से अगर सॉल्व करूँ और अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, तो आपको पता है x से x कैंसिल होगा और y में से अगर माइनस का 2y रिमूव होगा तो माइनस का y बचेगा। ऐसे ही 50 में से 75 को माइनस करेंगे तो माइनस का 25 बचेगा। वाई में ये नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो y का वैल्यू आया यहाँ पे 25, और अगर आपने ये 25 है तो x भी आपका 25 ही होगा, क्योंकि 25 और 25 50 होता है। सो 1 रुपीज़ के जो कॉइन्स थे वो थे टोटल 25। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो 2 रुपीज़ के कॉइन थे वो भी हैं टोटल 25। सो होपफुली दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू। यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। थैंक यू।